हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन करवाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूँगा, जिससे आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश की जो बोलने की गति है और इंग्लिश का डर ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, टिप ये है कि आप यदि वास्तव में इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश को सुनें, और दूसरी बात और भी इम्पॉर्टेंट है, आप रीडिंग करें। और रीडिंग कैसे करें? रीडिंग आपको ज़ोर ज़ोर से करना है। आधे से एक घंटे यदि आप ज़ोर ज़ोर से डेली घर में रीडिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहली बात तो ये है कि जो आपको इंग्लिश के बोलने का जो गति है, फ्लुएंसी है, वो बढ़ जाएगी, और आपके जो इंग्लिश का डर है बोलने का, उसके वर्ड को प्रोनाउंस करने का, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो माइंडसेट है वो इंग्लिश के प्रति तैयार होता रहेगा, तो आप कुछ समय बाद पाएंगे कि आप बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश को समझ पाएंगे। इंग्लिश को सुनते ही आप समझ पाएंगे, उसका जो मीनिंग है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है गाइस, इस प्रैक्टिस को दोस्तों बहुत लोगों ने अपनाया है। मैंने कई जो इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं, मैंने उनसे सुना है, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मैं स्टार्टिंग में रीडिंग करता था, ठीक है, और जब मैं बच्चों को पढ़ाता था, आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ, तो देखिए पढ़ाने के दौरान क्या होता है कि हम जो है बच्चों को रीड करवाते हैं और स्वयं रीड करते हैं काफ़ी तेज़ तेज़, ताकि बच्चों को प्रॉपर सुनाई दे। उससे क्या होता है कि इंग्लिश की जो बोलने की फ्लुएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है, और इंग्लिश के जो समझ है एक दिमाग में ऑटोमेटिक सेट होती है। उससे क्या होता है, बाद में आपको इंग्लिश को ना तो पढ़ने में और ना तो समझने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। ठीक है गाइस, तो आई होप दैट आपको ये टिप अच्छा लगा होगा, और इसीलिए मैं आपके लिए नई नई इंग्लिश की स्टोरीज लेके आता रहता हूँ, ताकि आप इंग्लिश को पढ़ पाएँ, सुन पाएँ और समझ पाएँ, और साथ ही साथ ग्रामर और नए नए शब्द भी सीख पाएँ। ठीक है, तो गाइस आपको ये टिप कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आज की स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन एक एक शब्द को पढ़ते हुए, समझते हुए, एक एक लाइन का हिंदी निकालते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है स्मार्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। स्मार्टेस्ट यानी होता है सबसे अच्छा या होशियार, मैन आदमी, इन यानी में द वर्ल्ड यानी दुनिया, तो दुनिया में सबसे होशियार आदमी, ये इसका टाइटल है। आइए देखते हैं कि इस स्टोरी में एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, अ डॉक्टर, अ लॉयर, अ लिटिल बॉय एंड अ प्रीस्ट वर आउट फॉर अ संडे आफ्टरनून फ्लाइट ऑन अ स्मॉल प्राइवेट प्लेन। ओके, तो एक डॉक्टर, मीन्स एक डॉक्टर, और एक लॉयर यानी एक वकील, अ लिटिल बॉय एक छोटा लड़का, और एक प्रीस्ट, प्रीस्ट यानी होता है पुजारी। ओके, प्रीस्ट एक पुजारी, वर यानी थे, फॉर अ संडे आफ्टरनून फ्लाइट, तो संडे को दोपहर की उड़ान के लिए वो लोग बाहर थे, ऑन अ स्मॉल प्राइवेट प्लेन एक छोटी और प्राइवेट प्लेन पर वो गए थे। ठीक है, सडनली, सडनली यानी अचानक से, द प्लेन डेवलप्ड, उस प्लेन ने डेवलप किया मतलब बनाया, या उसमें ऐसी समस्या हुई, इंजन ट्रबल, तो उस प्लेन में इंजन की एक समस्या, ट्रबल यानी समस्या, डेवलप हुई। ठीक है, यानी पैदा हुई, उसमें बनी, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेवलप का मीनिंग होता है विकसित करना या बनाना। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट ऑफ द पायलट, इन स्पाइट ऑफ यानी होता है के बावजूद, द बेस्ट एफर्ट्स, एफर्ट्स यानी होता है प्रयास। ठीक है, एफर्ट्स यानी प्रयास, तो पायलट के बेस्ट प्रयासों के बावजूद यानी सबसे अच्छे, उसने अपने प्रयास कर लिए, जो भी उसको आता था उसने अपना पूरा प्रयास कर लिया। जो पायलट था, जो प्लेन को उड़ाता है, उसको हम कहते हैं पायलट। ओके, इसके बावजूद भी क्या हुआ, द प्लेन स्टार्टेड टू गो डाउन, गो डाउन मतलब होता है नीचे जाना। ठीक है, स्टार्टेड यानी कि शुरू हो गया, तो जो प्लेन था वो नीचे जाना शुरू हो गया। फाइनली द पायलट ग्रैब्ड अ पैरासूट एंड यील्ड टू द पैसेंजर्स दैट दे बेटर जंप एंड ही हिमसेल्फ बेल्ड आउट।
ठीक है, तो फाइनली यानी होता है आखिर में या अंततः। द पायलट, वो पायलट जो प्लेन को उड़ा रहा था। ग्रैब्ड यानी होता है कि किसी चीज़ को झपट लेना या छीन लेना, ठीक है, या जल्दबाजी में उसको उठाना, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रैब कर लेना। तो उसने जल्दी से एक पैराशूट, दोस्तों इसको हम पैराशूट पढ़ेंगे, ठीक है, आपने सुना होगा लेकिन आपने स्पेलिंग में ध्यान ना दिया होगा, ठीक है, तो ये पैराशूट है, पैराचूट नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान दें। कई बार लोग बड़ा अजीब पढ़ते हैं, ठीक है, जब पता नहीं होता है चीज़ें। तो उसने पैराशूट को ग्रैब करके जल्दी से झपट के, एंड ईल्ड टू द पैसेंजर्स, और जो पैसेंजर्स थे, जो यात्री थे, उनको ईल्ड किया। ईल्ड मतलब होता चिल्लाया, चिल्ला के बोलना, जब आप किसी को चिल्ला के बोलते हैं उसको ईल्ड कहते हैं, ईल्ड करना, ओके। दैट कि दे बेटर जंप, यानी उनके लिए बेटर होगा यानी बेहतर होगा कि वो जंप कर जाएं, ठीक है, कूद जाएं। एंड ही हिमसेल्फ बेल्ड आउट, और वह स्वयं, ही हिमसेल्फ यानी स्वयं, वह स्वयं बेल्ड आउट हो गया, मतलब होता है कि किसी समस्या से बच जाना, बच निकलना, ठीक है, बेल्ड आउट होता है, तो वो खुद जो है अपने आप को उस समस्या से बचा के बाहर निकल गया, कूद गया, राइट। नेक्स्ट है अनफॉर्चुनेटली, मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्वक, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश या दुर्भाग्यपूर्वक। देयर वर ओनली 3 पैराशूट्स रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब होता है शेष या बचे हुए। देयर वर यानी थे, देयर वर यानी थे, ओनली 3, मात्र, सिर्फ 3 पैराशूट्स बचे हुए थे, राइट। द डॉक्टर ग्रैब्ड वन एंड सैड आई एम, या आई एम इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे हम, आई एम अ डॉक्टर, आई सेव लाइव्स, सो आई मस्ट लिव, एंड जम्प्ड आउट। तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने एक पैराशूट को ग्रैब किया, मतलब उसको जल्दी से उठाया, ग्रैब किया, उसको छीना, एंड और कहा, शेड, क्या कहा, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई सेव लाइव्स, मैं जीवन बचाता हूँ, लाइफ यानी होता है जीवन, ठीक है, लाइव्स यानी जीवनों को मैं सेव करता हूँ, बचाता हूँ, सो इसलिए आई मस्ट लिव, मस्ट यानी होता है जरूर या अवश्य, आई मतलब मैं या मुझे, तो मुझे जरूर जीना चाहिए, लिव यानी होता है जीना, एंड जम्प्ड आउट, और वो बाहर जंप कर गया, कूद गया, ठीक है। अब बचे 2 पैराशूट, ठीक है, 3 थे तो एक ले गया पायलट, राइट, और एक डॉक्टर ले गया, ओके। द लॉयर देन सैड, तो फिर लॉयर ने यानी वकील ने, जो उस प्लेन में वकील था, द लॉयर, उस लॉयर ने कहा, देन तब कहा, सैड, आई एम अ लॉयर, मैं एक वकील हूँ, एंड लॉयर्स आर द स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, और जो लॉयर होते हैं, जो वकील होते हैं, आर यानी हैं, वो स्मार्टेस्ट यानी सबसे अच्छे और होशियार पर्सन होते हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में वो सबसे होशियार लोग होते हैं, ठीक है, ऐसा कहा। एंड आई डिज़र्व टू लिव, तो डिज़र्व यानी होता है दोस्तों पात्र होना, किसी के लायक होना, तो उसने कहा कि मैं जो है जीने का हकदार हूँ, जीने का पात्र हूँ, आई डिज़र्व टू लिव, ओके, टू लिव मतलब जीना, तो मैं जीने के लिए पात्र हूँ। ही ऑल्सो ग्रैब्ड अ पैराशूट एंड जम्प्ड, ही वह ऑल्सो यानी भी, तो वह उसने भी ग्रैब्ड किया एक पैराशूट, एक पैराशूट को ग्रैब करके, है ना, छीन कर लेकर कूद गया, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अब कौन बचा, अब उसमें बचा एक प्रीस्ट यानी एक पुजारी, और जो छोटा लड़का था वो बचा। द प्रीस्ट लुक्ड एट द लिटिल बॉय, उस पुजारी ने छोटे बच्चे पर देखा, द लिटिल बॉय छोटे बालक की तरफ देखा, ओके, लुक्ड यानी देखा, एंड सैड और कहा, माय सन मेरे बेटे, आई लिव्ड
आ लॉन्ग एंड फुल लाइफ। उसने कहा कि मेरे बेटे आईव लिव्ड, आई मैंने आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है, यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, मतलब इसका मीनिंग होगा कि मैं जी चुका हूँ, आईव लिव्ड, मैं जी चुका हूँ एक लंबी और फुल लाइफ, एक फुल लाइफ पूरा जीवन मैं जी चुका हूँ। यू आर यंग, तुम छोटे हो, यू आर यंग, यंग मतलब होता है युवा होना या उम्र में छोटा होना, ठीक है। एंड हैव योर होल लाइफ अहेड ऑफ यू, तो बेटा तुम छोटे हो, तुम यंग हो और तुम्हारे पास है वानी है, तुम्हारे पास है क्या है, योर होल लाइफ, तुम्हारा पूरा जीवन है, अहेड यानी होता है आगे, ऑफ यू यानी तुमसे या तुम्हारे, तो तुम्हारा जो जीवन है पूरा जीवन तुम्हारे आगे है, राइट, तुम्हारे आगे है, तुम्हारे अहेड है जीने के लिए, इन्जॉय करने के लिए, इसलिए तुम क्या करो, टेक द लास्ट पैरासूट एंड लिव इन पीस, ये जो लास्ट पैरासूट है इसको तुम ले लो, ओके, टेक करो, ले लो एंड लिव, और जियो इन पीस, पीस आने होता है आनंद, ठीक है, और सुख, तो तुम शांति और आनंद में, शांति और आनंद में जियो, ऐसा प्रिस्ट ने कहा, ठीक है। तो देखिए प्रिस्ट का, एक पुजारी का कितना अच्छा विचार है, और उसने एक छोटे बालक को प्रोत्साहित किया, उसने उसके जीवन को, जीवन के महत्व को समझा, राइट। आइए आगे देखते हैं, द लिटिल बॉय हैंडेड द पैरासूट बैक टू द प्रीस्ट, लेकिन उस छोटे बालक ने, द लिटिल बॉय हैंडेड मतलब होता है कोई चीज़ दूसरे के हाथ में सौंप देना या दे देना, तो उसने उस पैरासूट को बैक यानी वापस उस प्रीस्ट को, टू द प्रीस्ट, उस प्रीस्ट को दे दिया, उस पुजारी को सौंप दिया, एंड सैड, और कहा नॉट टू वरी फादर, ठीक है, नॉट टू वरी फादर, देखो पिता आप चिंता मत करो, नॉट टू वरी चिंता मत करो, द स्मार्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड जस्ट टुक ऑफ विथ माई बैक पैक, ठीक है। देखिए उस लड़के ने क्या कहा कि जो स्मार्टेस्ट मैन था, लॉयर, जो अपने आप को स्मार्टेस्ट मैन मानता था इन द वर्ल्ड, दुनिया में, उसने क्या किया, जस्ट यानी मात्र, टुक ऑफ यानी होता है ले लेना, टुक ऑफ मतलब होता है किसी से दूर जाना या कोई चीज़ ले लेना, ठीक है, छीन लेना, विथ माई बैक पैक, तो बैक पैक मतलब होता है जो हम पीछे सामान लिए रहते हैं पीठ में, अक्सर हमारे पास बैग होता है, तो लड़के ने बताया कि उसने मात्र क्या किया है, जो मेरा बैक पैक था उसको ले लिया है, उसको छीन के जो है कूद गया है, पैरासूट तो हमारे पास है ना, तो इस तरह से जो है वो वकील अपने आप को स्मार्टेस्ट मानता हुआ, है ना, बाय मिस्टेक जो है उसका बैग लेके कूद जाता है, ठीक है, तो जो कि बहुत बड़ी गलती थी उसकी। तो दोस्तों आइए लास्ट में देखते हैं कि इस स्टोरी का मोरल क्या बनता है, इसका जो नैतिक शिक्षा है, मोरल मतलब नैतिक शिक्षा, योर जॉब डजेंट ऑलवेज डिफाइन यू, योर जॉब तुम्हारा काम, जॉब यानी होता है काम, तो आपका जो काम है, जो धंधा है, बिजनेस है, डज नॉट यानी डजेंट ऑलवेज डिफाइन यू, ऑलवेज यानी हमेशा, डिफाइन मतलब होता है परिभाषित करना, यू मतलब आपको, तो जो आपका काम है, जैसे आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, तो आपका काम हमेशा आपको डिफाइन नहीं करता, आपको परिभाषित नहीं करता, ठीक है, कि आप ऐसे ही होंगे जो आप काम करते हैं, बट बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग डज, बीइंग मतलब होता है होना या बनना, लेकिन एक अच्छा ह्यूमन, एक अच्छा पर्सन, व्यक्ति बनना, ठीक है, ह्यूमन बीइंग मतलब होता है मनुष्य, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, और जो यहाँ पर बीइंग है उसका मतलब होता है होना, तो बीइंग दोनों मतलब होते हैं जीव या फिर होना, तो डज यानी करता है, तो एक अच्छा व्यक्ति होना जो है आपको डिफाइन करता है,
और आपके व्यक्तित्व को शो करता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों और जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर इसको शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो।